महत्वपूर्ण चुनाव का फेज वन आज समाप्त हुआ है और आज इसी अवसर पर आप सभी को संबोधित करने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में बसने वाले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहां मौजूद हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहा हूं और मितुल कोठारी जी सह संयोजक सोशल मीडिया, सुनील चौधरी जी हमारे मीडिया पैनलिस्ट भी यहां पर हैं, उनका भी स्वागत करते हुए डॉक्टर साहब को निवेदन करता हूं आप सबको। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। राजनांदगांव सहित 20 विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ और अभी तक चल रहा है। राजनांदगांव में अभी भी बहुत सारे बूथ में काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग अभी वोटिंग चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। और मैंने सब राजनांदगांव में आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार संपर्क में रहा, लोगों तक पहुंचा और उसके बाद कवर्धा होते हुए फिर रायपुर आया। मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव अभियान में प्रथम चरण में जो बात देखने को आई, जनता के मन में भूपेश सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है और राजनांदगांव में तो मैंने इस आक्रोश को प्रकट होते हुए भी देखा। भाचा आया था, आज उसकी विदाई हो गई, पिकनिक मना के चला गया, उसके बाद उसका ना कोई नाता, मगर महादेव ऐप का प्रभाव मैंने अपनी आंख से देखा। इतना जबरदस्त पैसे, यानी पैसे इनके पास इतने हो गए हैं या ऐसा लगता है इनको रखने की जगह नहीं। क्या बेधरती से पैसे बांटे जा रहे हैं। मतदाता को हम लोग सुनते थे 100-500 दिया जाता है, मगर यहां तो पूरे रात और दिन दो दिन में एक ही काम हुआ है, जेबों में ठूसा गया। ये हालत राजनांदगांव में और कवर्धा में देखने को मिला। तो लोग बोलते महादेव का इफेक्ट क्या है, तो कोई चुनाव में जाके देखे कि भूपेश जी के भांजा का क्या कमाल हुआ है और उसके बाद भी वो कितने वोटों से हारेगा। राजनांदगांव के इतिहास का सबसे बड़ी पराजय है। मेरे 3 विधानसभा के बाद चौथा विधानसभा लड़ रहा हूँ, मगर रिकॉर्ड चौथे में बनेगा, सबसे ज्यादा वोट से राजनांदगांव विधानसभा मैं इस बार जीतूंगा। फिगर क्या होगी? 35-36 तो क्रॉस कर चुका हूँ, आगे बढ़ूंगा। एवरेज अभी तक 71% का मतदान हो चुका है और मुझे लगता है कि रात के 12 बजे कलेक्टर ने अभी मुझे टेलीफोन से बात किया, 12 बजे तक एग्जैक्ट फिगर मैं दूंगा, ये उनका कहना था, क्योंकि अभी मतदान चल रहा है। और अनुमान जो लगता है, जो भाजपा का इंटरनल फीडबैक सिस्टम है और जो बेसिक सर्वे है, वो बड़ा साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को बेहद उत्साहजनक और बता रहे हैं। और बड़ा अनुमान जो लगाया जा रहा है स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों में 15 से 18 सीट पर जीतने की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी है और परिवर्तन का जबरदस्त अंडर करेंट है लोगों के मन में। वोटर
जम के वोट डालने के लिए निकल रहे हैं उत्साह के साथ। इस बार बस्तर की हालत बता दूं, कांग्रेस के 3 मंत्री सहित उनके प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस्तर के चुनाव में उनके कांग्रेस के 3 मंत्री सहित उनके अध्यक्ष भी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, बुरी तरह से पीछे हैं। और ये स्पष्ट हो गया कि शराब का असर क्या होता है, लोग बोलते थे, कोयले का असर क्या होता है, पीएससी घोटाले का गांव में क्या असर होता है, या चावर घोटाले का असर क्या होता है, ये मतदान में दिखा दिया। मतदाताओं का हुजूम भारतीय जनता पार्टी के शिविरों में जो खड़े होकर उत्साहित हो रहे थे, तो निश्चित रूप से एक जबरदस्त रुझान देखने को मिला। दूसरा चरण 17 नवंबर को 70 सीटों पर होगा, और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि लोगों ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है। अब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। इन्होंने किसी के क्षेत्र में धान के खरीदी के विषय को लेकर अपनी बात रखी और हमने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये के हिसाब से 21 क्विंटल खरीदी करके प्रति एकड़ 65,100 रुपया लाभ दे रही है, 65,100 31 रुपये के हिसाब से 21 क्विंटल धान हम खरीदेंगे। वहीं कांग्रेस 32 समर्थन मूल्य में जो धान खरीद रही है 3200 रुपया और 20 क्विंटल यानी 6400 रुपया प्रति एकड़ 1100 रुपया भारतीय जनता पार्टी किसानों को धान का कीमत ज्यादा दे रही है प्रति क्विंटल प्रति एकड़। ये भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया। 2 साल का जो हमने बकाया बोनस है उसको भी हम 25 दिसंबर तक दे देंगे, हमने कहा है, और इनके घोषणा पत्र में वो जरूर था और वो भूल गए घोषणा पत्र में। हमने इस पूरे धान खरीदी में 2 साल का बनाया बोनस देने का जो मामला किया था उससे भारतीय जनता पार्टी 900 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसका गांव में मैं प्रत्यक्ष असर देख रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के विवाहित महिला परिवार को 12,000 रुपया देने की जो घोषणा हुई है उसका जबरदस्त इम्पैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ा है और महिलाओं को उसमें जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है, और ये चुनाव के लिए बहुत बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड साबित होगा। जैसे पूरे प्रदेश में एक वातावरण का निर्माण हुआ है, 500 रुपये में LPG गैस कनेक्शन की बात भी हुई है। एक घोषणा हम लोगों ने कहा, और दूसरी बात PSC घोटाले को लेकर अपने घोषणा पत्र में यूथ के लिए हमने बहुत स्पष्ट रूप से उस बात को रखी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और PSC को UPSC पैटर्न में एग्जाम लेने की तरीका को हम आगे बढ़ाएंगे। महादेव ऐप में शुभम सोनी ने तो अब साफ शब्दों में कह दिया, भूपेश बघेल प्रमाण मांगते हैं कि भैया मेरे खिलाफ प्रमाण क्या है। शुभम सोनी मीडिया के सामने आकर महादेव ऐप का संचालक बोल रहा है 508 करोड़ दिया हूं, तो क्या भूपेश बघेल चाहता है 508 करोड़ के नोटों की गड्डी के साथ उसको पकड़ा जाए? क्या उसके पास 508 करोड़ के नोटों की गड्डी दिखा जाएगा? जब शुभम सोनी चीख चीख के बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 5.37 करोड़ प्रति राशि जब्त हो जाती है, बयान आ जाता है कि बघेल के लिए मैं पैसा लाया था, दुबई से मैं लौट के आया था, और इससे ज्यादा चुनाव में इस पूरे पैसे का जिस प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है, मुझे लगता है महादेव ऐप इनके करप्शन का, वो चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चावल घोटाला हो, गौठान घोटाला हो, दूसरे अन्य घोटालों से एक बड़ा कि अब मुख्यमंत्री सट्टा और जुआ में भी
उसमें भी पैसा लेने की बात कर रहा है, ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है और उसको इस्तीफा देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया 30% भूपेश का कर। अब इससे बड़ी बात देश का प्रधानमंत्री क्या बोल सकता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि छत्तीसगढ़ से लेकर हिंदुस्तान तक ये बात जा चुकी है कि बिना 30% के छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं होता और 30% का खेल पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आने वाला चुनाव की तैयारी में हम सब लग गए हैं और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। आप पूछिए। पार्टी जहाँ भेजेगी वहाँ मैं जाऊंगा। मेरी तैयारी तो यही है कि जहाँ जहाँ पार्टी का निर्देश होगा डॉक्टर रमन अपने पूरे समय का उपयोग वही करेगा। अरे भाई उसने तो स्पष्टीकरण दे दिया यार, दोबारा क्यों पूछवा रहे हो? गाड़ी भेज दिया बहुत पहले, 6 महीने पहले। एक मिनट हाँ आराम से आराम। तमाम योजनाओं की बराबरी आपने कर ली, एक योजना में आप पीछे छूट गए हैं। उन्होंने कहा नगरीय निकाय क्षेत्र में हम टेस्टिंग के लिए लकड़ी देंगे। चलिए ठीक बोल रहे हैं किसी में। हाँ सर, बोनस को देने की आपने बात कही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 25 दिसंबर तक हमने तो 25 दिसंबर का तारीख भी बता दिया कि 25 दिसंबर को आपके खाते में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन में सुशासन दिवस में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो अनुमान आपको लगाने के लिए छोड़ दिए। आपने कहा कि महादेव ऐप का पैसा जो लोगों की जेब में ठूस ठूस कर वहाँ भरा गया राजनांदगांव में, तो वो आपके फायदे के लिए है या इसको ये नहीं माना जा सकता कि महादेव ऐप का पैसा कम से कम जनता को वापस मिला? हमारा नजरिया अलग रहता है। तो सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज सूरतपुर सभा में कहा है भूपेश बघेल जी के दाएं बाएं के लोग अरेस्ट हुए हैं और कुछ बहुत पैसे जब्त भी हो रहे हैं, उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। भाजपा भी यही कह रही है कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तो जब क्राइम सामने आ रहा है, आरोप सामने आ रहा है, तो ये मांग अंतरात्मा की आवाज वाली होगी या एक्शन वाली होगी? इनकी अंतरात्मा की आवाज मर चुकी है। गारंटी रोटी उपचार मुफ्त और नल में पानी, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने छत्तीसगढ़ को चुना सजाने।